सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 56वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर 46वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी, एज इफ एन अनइंटेलिजिबल फ्रेज सजेस्टेड ए मिलियन रेंडरिंग्स टू द माइंड, it leans a purport to the random world, a conjecture leaning upon doubtful proofs, a message misunderstood, a thought confused, missing its aim is all that it can speak, or a fragment of the universal world। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। सृजित सृष्टि में भागवत लीला प्रसंग में भागवत संकल्प से संकल्पित भागवती चेतना एक से बहु बनकर अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में अपने मूल से विभाजित बन अचित आवरणित होकर व्यक्त स्वरूप धारण करके जड़ से मानव तक के विकसित रूप में मन के विकसित हो जाने पर भी अपने अभिव्यक्तिकरण लीला के लक्ष्य के अंतिम छोर से सुदूर बना आधा मार्ग ही लगभग तय कर पाया है और अपने इर्द गिर्द व्याप्त एक महाविशाल शून्य से लिपटे रहकर परा उच्च मनश्चेतना लोक से संबंध विच्छेद स्थिति में हमारा यह वर्तमान मानव मन स्थित रहता है। भीतर निवसित मूल अंश के दिव्य स्पंदनों की मंद मंद स्पर्श करती स्पंदित आभा के कठिनाई से मन तथा सत्ता स्तरों तक पहुंच पाने में मानव प्राप्त हो रहा गूढ़ न समझने योग्य दुर्बोध एक अद्भुत वाक शैली या वचन है, जिसे यह अर्ध विकसित मनश्चेतना धारण कर अनंत से उद्भूत पूर्णत्व ज्ञान वचन को खंड खंड करके अनंत रूपों में बांट कर अनंत आकारों दृष्टिकोणों विचारों में अभिव्यक्त कर देने का भीतर से संकेत पाता, अंत से प्राप्त स्पंदनों में सहस्त्र रूप से चित्रित करने की हमारे मन अनुपति प्राप्त करता रहता है। सहस्त्र रूपों से चित्रित न समझने लायक भीतर से प्राप्त वाक शैली से अभिव्यक्त अकस्मात जन्मी सी धरती जो जड़ से पशुता तक मानो व्यर्थ ही श्रम कर विकसित होती चली जाती, इसको मानव पायदान पर विकसित हो जाने से
कोई विशेष अर्थ ही प्रदान मानो कर दिया गया हो, मन से सहस्त्र सहस्त्र रूपों में विचारों के प्रकारों से उद्भूत होने वाले प्रत्येक धुंधले से विचार को भी पीतर की दिव्य चैत्य चेतना का आश्रय मिला होने के कारण बाह्य स्तर पर व्यर्थ सी लगने पर भी उसके अभिप्राय या होने का मानव मन अर्थ लगाता रहता और सत्य से उद्भूत सत्य प्रतीयमान होने के कारण सत्य का सदैव सहारा मानव को मिलता रहता है और विशिष्टता लिए प्रत्येक उद्भूत विचारणा होती है जो आकस्मिक नवीन विकासोन्मुख उन्नत जगत की रचना में सदैव सार्थक ही सिद्ध होती है। हमारा वर्तमान अचित असत अज्ञान अंधकार आवरणित मन हमारी विशुद्ध अंत चेतना से संप्रेषित वैश्विक संदेश शब्द या विचार सतई मन तक आते आते पड़े जड़त अचित अज्ञान अंधकार आवरण को चीर कर सतह पर मंद पड़कर अर्ध प्रकाशित ज्ञान ही पकड़ पाता है। इस कारण वह सृष्टि सृजन के पीछे छिपे विशुद्ध सत्य को देख समझ पाने की समग्र दृष्टि गंवा देता है। इससे सृजित सृष्टि के विकासोन्मुख लक्ष्य को भी ठीक ठीक नहीं समझ पाता। प्राप्त धुंधली अंत स्पुरणाओं के प्रकंपनों को बाह्य इंद्रिय अनुभवों की कसौटी पर कसकर प्राप्त प्रमाणों एवं संदेहों पर ही टिका रहकर नाना प्रकार के अनुमानों से निष्कर्ष निकालता रहता है हमारा यह मानव मन। यद्यपि युग युग में युग की मांग के अनुरूप अवतरित होने वाले दिव्य ज्ञान और दिव्य विचारों को जो ऊर्ध्व स्थित उच्च मन आलोकित मन संबोधि मन एवं अधिमन से अवतरित होकर किसी चुने गए माध्यम अथवा सीधे दिव्य परमात्मा अवतरित अवतार के माध्यम से धरा के जीवन को उन्नीत करने हेतु उतरते हैं, किंतु ये दिव्य संदेश सामान्य मन के अर्ध प्रकाशित आलोक में गलत समझ लिए जाते हैं अथवा दिव्य अवतरित विचार के संदेश भ्रम पूर्वक ग्रहण कर स्वयं मानव जाति को भी भ्रामक संदेश ही प्रेषित कर पाते हैं। अवतरित विशुद्ध दिव्य संदेश अथवा विचारों को भ्रम से ग्रहण करने से उसके अवतरण के विशुद्ध ध्येय से मानव जाति दूर हट जाती या हम भ्रमित मानव समाज से वह दिव्य संदेश बहुत दूर हट जाता है। ऐसे भ्रामक उलझे पुलझे विचार से असल ध्येय से दूर मानव जाति जा पड़ती अथवा जगत जागतिक कल्याण में उपस्थित बाधा दूर करने हेतु अवतरित दिव्य ज्ञान संदेश शब्द वचन अथवा प्रतिज्ञा के अंश सत्य को ग्रहण करके भ्रमित होकर वैश्विक सत्य संदेश के प्राप्त किए गए अंश को धारण करके
इसको ही अंतिम विश्व कल्याण का प्रकट सत्य निरूपित कर सकने की सीमित क्षमता वाला हमारा यह मानव और इसकी सीमित क्षमता एवं योग्यता ही है हमारी परालोक से अवतरित दिव्य विचार को जगत व्याप्त विश्व मन से प्रवाहित होकर मन में आया एक सामान्य उच्च कोटि का विचार ही जान पाता। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है। Oh.